तो इनके कुछ वर्ड्स हमको लर्न हो जाए, मजा आएगा। ये तो लेमन पानी, लेमन जूस, लिमोनाड, दी लिमोनाड, दी सिट्रोन है, योगुर्ट, आर्टिकल देर दी दास, योगुर्ट, ये क्या था? जलामी, ये खास तरह का सोस मीट है, जलामी, इस तरह से बना के बेचते हैं इसको। एंड दिस वन औरंग औरंग है, प्लूरल तो औरंगन होगा, अप्रिकास, केजन, मिर्च, सो दी औरंग है, सिंगुलर लिख रहे हैं हम लोग। दिस वन सिंगुलर, दी बनान है, प्लूरल होगा तो बनानन हो जाएगा। दिस वन दी टोमाट है, दी आर्टिकल होगा। एंड दिस वन प्योर है या फिर कारोट है, दी दी म्योर है। ये चिकन के लिए क्या वर्ड था? हेंशन, दास हेंशन। जिस भी वर्ड के लास्ट में सन दिख जाए आपको, उसका आर्टिकल हमेशा दास होगा। दास मेडिसिन, दास कनिंशन, दास हेंशन। एंड दिस वन हियर आई थिंक इट्स बटर, सो दी बूटर, दी बूटर। सो ऐसे आपको इसके आर्टिकल्स लर्न करने हैं एक एक करके। और अभी मैं आपको वापस जो पूछे थे वर्ड्स वो वापस पूछूंगा, ये देखने के लिए कि किसको आर्टिकल याद रहते हैं। जस्ट अ मोमेंट। मिल्श आर्टिकल, मिल्श दी मिल्श, दी मिल्श। पाप्रिका, ओके, डेयर और दी दोनों आ सकता है। फ्लाइज, दस दस फ्लाइज। फिश, देयर। पिज्जा, दी पिज्जा। ब्रोट, दस। बच्चा ब्रेड खाता है, अच्छा, ओके। कार्टोफेल, दी कार्टोफेल। राइस, देयर देयर। पोमस, दी पोमस। नूडल, दी पोमस आल्सो, दी प्लूरल में रहता है इसलिए है, ओके। जलाट, देयर जलाट। जावर क्राउट, दस जावर क्राउट, दस। टोमाटर, दी टोमाटर। पाप्रिका, देयर दी, देयर एंड देयर पाप्रिकास। केज़, देयर देयर। शिंकन, दस। केचप, दस केचप। शोकोलाडे, दी शोकोलाडे। वाइन, दस वाइन इज देयर। बियर को छोड़ के ज्यादातर ये आपको एल्कोहलिक जो भी ये चीजें दिखेंगी वो डेयर दिखेंगी, बियर दास होती है। वासर, दास। एंड ओरांगन जाफ्ट, देयर देयर ओरांगन जाफ्ट, ओके। यस, जाफ्ट जिसके भी लग गया वो डेयर, जाफ्ट वर्ड डेयर है, ओके गुड। देन वी हैव मे बी वन टू स्मॉल टेक्स्ट। दिस वन इज ए टेक्स्ट अबाउट सम कॉम्पिटिशन आई थिंक। दस एसन दी डॉयचन गैरन सुमिता, वास एसन दी डॉयचन। Das Essen, was essen die Deutschen gern zum Mittag? Generally, Germans दोपहर में क्या खाते हैं? इस टेक्स्ट में आइडिया लगेगा उसका। Generally, कितने परसेंट लोगों को क्या पसंद लग है? ये सारा ये डिसाइड नहीं करता, बट ये एक सर्वे किया गया, उसमें लोगों ने बताया, उस पर बेस्ड है ये इंफॉर्मेशन।
currywurst order schnitzel mit pommes. Currywurst मतलब meat curry या फिर schnitzel mit pommes. Pommes मतलब French fries के साथ schnitzel खाते हैं वो. Welses Gericht macht das Rennen. ये जो Rennen machen का मतलब है कि दौड़ में कौन सा फूड कौन सा जो आइटम है वो जीतता है. मतलब कंपटीशन किया, लोगों से पूछा कि क्या खाते हो, क्या तुम्हारा फेवरेट फूड है, तो लोगों के जवाब आए, उससे पता चला. Jeden Tag essen का क्या मतलब है? सिरका. शॉर्ट में कभी कभी सीए दिखता है, इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं. सिरका मीन्स ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली अराउंड. सिरका jeden Tag essen सिरका जैक्स मियो. मियो मतलब मिलियोनन. मियो इज मिलियोनन. शॉर्ट फॉर्म्स दे रखी हैं कभी कभी मिलियोनन. अप्रोक्सीमेटली अराउंड 6 million Germans Deutsche in einer Kantine zum Mittag every day. Around 6 million लोग कैंटीन में खाना खाते हैं. ये एक मोटा मोटा आंकड़ा है. 6 million लोग कैंटीन में खाते हैं, बाकी तो अलग अलग जगह कोई चलता फिरता रास्ते में खा रहा है, कोई घर पे खा रहा है, बट 6 million लोग कैंटीन में खाना खाते हैं. कैंटीन से पूछा गया कितने लोग खाते हैं तो उसका एक डाटा निकल के आ गया. Deutsche in einer Kantine zum Mittag. दोपहर में, ये खास तौर पे दोपहर की बात है कि दोपहर में 6 million लोग कैंटीन में खाते हैं. Markt Info ये कोई संस्था है. Markt Info hat 1000 Gäste in einer Kantine in Frankfurter Main gefragt. एक कैंटीन है कोई फ्रैंकफर्ट माइन में, इस प्लेस पे वहां पूछा गया. क्या पूछा उन्होंने? वासिष्ठ लिबलिंग सेशन. व्हाट इज योर फेवरेट फूड? तुम्हारा फेवरेट फूड है क्या? दास अर्गेबनिश युब्राश्निष्ट एंड अर्गेबनिश. उसका जो रिजल्ट है वो बहुत सरप्राइजिंग नहीं है. क्या रिजल्ट आया उसका? क्या बोला लोगों ने? ये पिज्जा नूडल एंड फ्लाइस गिरिश्ट है जिन जेयर बेलिप्ट. पिज्जा नूडल एंड मीट रेसिपीज मतलब मीट जिसमें पड़ता है, इस तरह की मीट से जो बनती है वो रेसिपीज. पिज्जा एंड नूडल जिन जेयर बेलिप्ट दे आर वेरी पॉपुलर इन जर्मनी अकॉर्डिंग टू सर्वे. नॉट ऑन स्वांसी प्रोसेंट आर क्लियर एंड दूरी वर्स्ट सू इरम लिबलिंग सेशन. 29% पीपल सेज करीवुस्ट इज देयर लिबलिंग फेवरेट फूड. करीवुस्ट को बोला उन्होंने कि करीवुस्ट है हमारा फेवरेट फूड. तो स्पागेटी मिट टोमाटन जोस है लंदन में 25% ऑफ दिम स्वाइटन प्लाट्स. स्पागेटी टोमेटो सॉस के साथ 22% लोगों ने बताया कि अगर टोमेटो सॉस के साथ स्पागेटी मिल जाए वो हमारा फेवरेट फूड है. currywurst und dann spaghetti zwei. danach after that. danach मतलब after that. जब दो तीन चीजें बताते हैं तो पहले बताते हैं तो zuerst फिर nach फिर danach ऐसे आता है. danach folgt pizza mit 16%. पिज्जा खाने वाले भी बहुत हैं. 16% 100 में से 16 लोगों ने बोला पिज्जा. mit 13% ist das schnitzel mit pommes nicht mehr so beliebt wie früher. 20%. so abhi jo pommes hai french fries hai wo 13% log pasand karte hain. pehle 20% karte the 2007 mein. so now it is not so popular as earlier. wie früher. früher is earlier. it's not so popular now. kalorien sind beim libling session नेक्स्ट विशेष. जनरली तो कितना कैलोरी खाना है, खाना अच्छा है क्या, स्वास्थ्य के लिए हेल्दी है क्या, ये क्वेश्चन
पहले बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता था लोगों के लिए और अभी भी समझदार लोगों के लिए तो है, बट इन्होंने बोला है कैलोरियम जिन बाइम लिबलिंग सेशन नेक्स्ट विस्टिश कंटेन बिजुखर एसन लीबर हमबर्गर 9% अल्स फिश 7% 7% पीपल गो फॉर फिश 9% हमबर्गर खाना पसंद करते हैं. फियर प्रोसेंट नोअर फियर प्रोसेंट आजो गिम्यूज है उन जालाट जिन आउखनिस जे बेलिप्ट साग सब्जियां सैलड तो खाना पसंद नहीं है लोगों को इतना निश्चेर बेलिप्ट नोअर फियर प्रोसेंट ऐसे मिटाक सामलिप्त तो नहीं जालाट ओनली 4% प्रीफर टू ईट सैलड दस उम्फ्राग है अर्गिबनिश एंड व्हाट इज द रिजल्ट कंटीनेशन मूस लेकर अबर निश्चित गिजुल्ट जाइन कि कैंटीन खाने वालों के लिए खाना टेस्टी होना चाहिए स्वास्थ्यवर्धक हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता. सो शाडे दस जो जागे कि खाना यंग लोगों को टेस्टी होना चाहिए बाकी स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते यंग लोग दस इज दस प्रॉब्लम हियर. सो वी हैव इन दस सोन ये डिलीजन प्लस आइंस वास आसन डिमेंशन नॉन ऑन फ्रांसिस प्रोसेंट क्या था 29% नंबर वन एक था या तीन थे गुरीवुर्स्ट ओनली वन. उन्होंने शुरू में तो ये बोला कि पिज्जा नूडल और मीट रेसिपी मीट आइटम्स हैं वो पॉपुलर हैं ये तीन शुरू में बता दिया बट देन नॉन ऑन फ्रांसिस प्रोसेंट अर्क्लेरन कुरीवुर्स्ट सु इरम लिबलिंग सेशन सो 29% तो कुरीवुर्स्ट हुआ या आजो कुरीवुर्स्ट उन स्वाय वास्कोंटा या स्पागेटी मिट टोमाटन जूस है दस इज आइंस दस इज स्वाय या जो स्पागेटी ड्राई पॉमस ट्राइज एंड पॉमस फॉल्स पिज्जा ड्राई इज पिज्जा जैक्सन प्रोसेस फियर यस स्निट्सल मिट पॉमस या ओंट डन ओंट डन हमबर्गर हमबर्गर 9% Good schnitzel ist jetzt 13% Also so ist es So viele Menschen essen Das Rennen machen What is the meaning of Rennen machen? So, यहाँ पे अंदाजे से बताओ कौन सा आएगा आ बे से रेनन माखन तीन चीजें हमारे पास रेनन माखन सूडेम स्वाइटन प्लस लंदन सेकंड प्लेस पे आना उन जागन वासमान लिबलिंग जो हम लिप्स्टन ईस्ट ये कहना कि मेरा ये फेवरेट है फेवरेट बताना Das Rennen machen ist B. Auf dem ersten Platz. Race कौन जीतता है? मतलब number one कौन रहता है? Auf dem zweiten Platz sein. Nicht so gut oder beliebt als wie ein Platz eins. इतना popular नहीं होना जितना कि number one है. तो मतलब number two होना. Und Liebling Session. Man am liebsten ist bedeutet Liebling Session erklären.
you say it is your favorite food. Minimemo, ich mag Pommes. I like French fries. So genau so gern wie Pommes, wie Pizza. Das heißt genau so gern. So so or we. इसका मतलब है दोनों सेम प्लेस पे हों तो जो वी का यूज करते हैं हम लोग. जो वी, जो वी, सो जो गुड वी फॉर एग्जांपल, एज गुड एज, जो वी हो गया एज एज, मतलब दोनों सेम पोजीशन पे. सो गिनाउ जो मतलब एग्जैक्टली एज, गिनाउ इज एग्जैक्टली. सो ये ओरिजिनली जो और वी है, ये गिनाउ जो गैर वी. एंड लीवर बोल दिया आपने, मतलब यू आर प्रीफरिंग, कंपेरेटिव में यू प्रीफर. जैसे इसने बोला इश मार्क पॉमस गिनाउ जो गैर वी पिज्जा, मतलब पॉमस फ्रेंच फ्राइज और पिज्जा दोनों मुझे सेम ही पसंद है, दोनों को बराबर ही भाव देता है बंदा. इश मार्क ड्यूनर लीवर आल्स हमबुर्गर, ड्यूनर उसको हमबुर्गर से ज्यादा पसंद है. ड्यूनर मतलब कंपेरेटिव डिग्री आ गई लीवर वाली. ड्यूनर तो खाने की चीज का नाम है, कबाब, कबाब को बोलते हैं वो ड्यूनर. सो कंटीन गेस्ट है एसन गैर्न, क्या क्या चीजें उनको बहुत पसंद है, दो तीन चीजों के नाम आएगा भैया, दो तीन चीजें बताई थी शुरू में कैंटीन वालों को, क्या क्या पसंद है बहुत. कुरीवुर्स्ट, उंट, पिज्जा, बर्गर, नूडल, ओके, कुरीवुर्स्ट, पिज्जा और हमबर्गर. क्या आया था वैसे वहां देख लेते हैं एक बार, उन्होंने बोला क्या था कि पिज्जा नूडल उंट फ्लाइस गिरिश्ट है, ये बोला था उन्होंने कि रेस्टोरेंट वाले बहुत खाते हैं पिज्जा नूडल और फ्लाइस गिरिश्ट है, वो लिख सकते हैं अपन यहाँ पे पिज्जा नूडल फ्लाइस गिरिश्ट है, पिज्जा उंट फ्लाइस गिरिश्ट है. जी म्योगन, स्पागेटी, स्पागेटी ज्यादा पसंद है किससे, कौन सी दो चीजों से ज्यादा पसंद है, या फिर एक ही चीज से बता दो स्पागेटी उनको ज्यादा पसंद है किससे, जो आपने बनाया नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री. तो यहां पे नंबर वन आपने किया कुरीवुर्स्ट, नंबर टू आपने किया पॉमस, स्पागेटी, ओके डन, पिज्जा, पिज्जा, पिज्जा डन, पॉमस, पॉमस डन, हमबर्गर, ओके मे बी. सो दे प्रीफर स्पागेटी देन किससे ज्यादा, देन पिज्जा, स्पागेटी इज प्रीफर्ड देन पिज्जा, पिज्जा से ज्यादा लोग स्पागेटी को. सो जी म्योगन, स्पागेटी लीवर आल्स पिज्जा उंट फिश किस चीज से ज्यादा पसंद करते हैं, पॉमस, पॉमस, पॉमस लीवर आल्स फिश. आम लिप्स्टन और सबसे ज्यादा पसंद तो उनको क्या है, कुरीवुर्स्ट, ये कुरीवुर्स्ट तो सबसे ज्यादा पसंद है. हम लिप्स्टन का मतलब है मोस्ट प्रिफर्ड, ये तीन चार कंपेरेटिव आपको लर्न करके ही रखने चाहिए. गुट, डेसर, बेस्ट. सो बेस्ट के साथ आम लगता है तो ये बेस्टन हो जाता है, आम बेस्टन. ऐसे ही गैर्न, लीबर, लिप्स्ट, लेकिन आम लगाओगे तो आम लिप्स्टन हो जाएगा, यहां भी ये लगेगा. फिर गैर्न, गुट, फील, फील मेयर,
Maist. Amaisten. Gross, hoch, nah. ये तीन आपको बार बार दिखेंगे. गुट वेसर अम्बेस्टन, गैरन लीवर अम्लिप्स्टन, फील मेयर अम्माइस्टन. फील का मतलब है मच, मोर, द मोस्ट. गैरन का मतलब है ग्लैडली, मोर ग्लैडली, मोस्ट ग्लैडली. गुड, बेटर, बेस्ट. ये कंपैरेटिव डिग्री बार बार आएंगी, क्योंकि यहां भी आपने देखा मेयर लीवर, ये लीवर आ रहा है बार बार, यहां गैरन आ रहा है. सो यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग. आप अंडे खाते हो तो ये कह रहे हैं कि पता कर लिया करो अंडा फ्रेश है कि नहीं. सो इनको देख के आपको कौन सा लग रहा है अंडा कौन सा फ्रेश है सबसे ज्यादा? पानी में डालोगे तो मिडिल वन सर. ओके मिडिल वन. ओके कैसे पता लगता है? वो पानी में अंदर, पानी के ऊपर आ जाता है. इसका मतलब है कि द मिडिल वन इज सिंक नहीं हो रहा, करो वो ताजा है अभी इसलिए हल्का है. और जैसे जैसे वो पुराना होगा तो नीचे रुक जाएगा. ओके तो सबसे नीचे कौन सा गया? ये गया सबसे नीचे, सबसे पुराना ये. ओके ये हायर टेस्ट हाउस हाल्टिंग, ये घरों में लोग ऐसे ट्राई करते हैं. इम इम आई इश लुफ्ट, अंडे में हवा है. इस दास आई फ्रेश, ये अंडा फ्रेश है क्या? इस्ट वेनिश आई इम वेनिश लुफ्ट इम आई, अंडे के अंदर अगर कम हवा है. इन आइनम अल्टन आई इस्ट मेयर लुफ्ट, पुराने में हवा ज्यादा घुस गई है. ओके हवा ज्यादा घुस गई है, वो भारी हो गया पुराना. ओके सो दस आई इस्ट फ्रेश, दस आई इश्ट फ्रिश. तो फिर उस हिसाब से तो हम लोग सी करते हैं इसको. दस आई इश्ट मेर आर स्वाई वोखन, दो वीक से ज्यादा पुराना है. और ये तीन वीक से ज्यादा पुराना है. ये फिर ए सबसे ए और बी ऐसे सर. बी में ए में बी में बी में ज्यादा नंबर है सर. ये वाला जो है वो सबसे, जिसमें हवा होगी वो सबसे हल्का होगा या हवा नहीं होगी वो सबसे हल्का होगा? हवा नहीं होगी, हवा होगी वो सबसे हल्का, हवा होगी वो सबसे हल्का होगा. फिर हम लोग इसको करेंगे बी ए एंड सी. ट्यूब पानी में तैरता है इसको. हाँ ट्यूब तो पानी में तैरता है, तो हवा जितनी होगी हवा जितनी होगी उतना हल्का होगा उसके हिसाब से. तो इसमें सबसे ज्यादा हवा है फिर बी, इसमें ए होना चाहिए और ये सी में सबसे, ये हल्का है ये अभी सीधा है ये, और फिर भारी हुआ तो और नीचे आ गया, फिर ऐसे हुआ फिर तो ये है ना बी ए सी. यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिए, इन्होंने ऐसे ही छोड़ा है कि एक हाउस हाल्ट टिप है कि इम आई इश लुफ्ट, अंडे में हवा होती है और जिसमें हवा है वो सबसे फ्रेश है. विनिश आई इम लुफ्ट, इन आइनम आल्टन आई इश्ट मेयर लुफ्ट. ये तो कह रहा है कि ओल्ड अंडा होगा उसमें ज्यादा हवा होगी. और गिवन जी दस आई इन ए ग्लास विद वाटर. ओके ऐसे कर देता हूँ. मुझे तो ऐसे लग रहा था, मुझे तो ऐसे लग रहा था हाँ कि भाई जिसमें सबसे ज्यादा मतलब जो पुराना है ना मेरे ख्याल से वो सी होना चाहिए. मुझे तो ऐसे लग रहा था, इसमें क्लैरिटी नहीं दे रखी. सबसे पुराने में सी होना चाहिए, फिर ए होना चाहिए, फिर बी होना चाहिए, मुझे ऐसे लग रहा है. यस सर. देखना ये हवा वाला क्या सीन है.
अभी हमने जो कंपेरेटिव सीखा, गुड बेसर अम्बेस्टन, गुड बेटर बेस्ट, गैर लीबर अम्लिपस्टन, आप क्या खाना पसंद करते हो, किस चीज को ज्यादा प्रीफर करते हो और सबसे ज्यादा प्रीफर किस चीज को करते हो। तो फर्स्ट वाला कह रहा है इश फिंडे फिश मिट आइश स्मैक गुड, इसमें फिश मछली है, मिट राइस चावल के साथ है, ये आइसली मच्छी मच्छी भात, अच्छा इसीलिए पॉपुलर हो रखा है वहां। ओके फिश मिट आइश फिश मिट राइस स्मैक गुड, स्मैकन का मतलब है टेस्ट, फिश विद राइस टेस्ट गुड। बट किसी ने बोला कोरीवुर्स्ट मिट पोमस स्मैक बेसर आल्स फिश, आप करी मीट खाओ पोमस के साथ, इट स्मैक मतलब इट टेस्ट बेटर देन फिश, सो दैट इज बेसर। इसने बोला इसी में इश फिंड शोकोलाड एंड टॉर्ट है मीन्स चॉकलेट केक, मिट जाने जाने इज क्रीम, चॉकलेट केक खाओ क्रीम के साथ, दस स्मैक्ट अम्बेस्टन इट टेस्ट्स द बेस्ट। तो ये तो चॉकलेट केक हो गया और इसके साथ ये क्रीम भी है इधर, सो इट टेस्ट्स बेस्ट। सो इस ऐसे अम्लिपस्टन आई प्रीफर दिस वन द मोस्ट, इस ऐसे लीबर आई प्रीफर दिस वन, इसको आप कह रहे हो कि इट टेस्ट्स गुड इट टेस्ट्स बेटर इट टेस्ट्स बेस्ट। नीचे आप कह रहे हो आई प्रीफर आई ईट दिस हैप्पीली मोर हैप्पीली मोस्ट हैप्पीली ऐसे, ठीक है। सो गुड बेसर बेस्ट एंड गैर्न लीवर लिप्स्ट, लेकिन आम लगने से ईएन लगता है, तो बेस्ट का हो गया अम्बेस्टन और लीवर का हो गया अम्लिप्स्टन। फील मेयर माइस्ट, इसके अलावा जो थर्ड करी थी अपन ने वो किया हमने फील मेयर माइस्ट, आम आएगा तो माइस्टन। ओके आपको आज एक वेल्स का और बताऊंगा, यहां पे वेल्स आ रहे हैं ना, वेल्स विच विच फूड यू लाइक द मोस्ट, विच चॉकलेट यू ईट, विच की ग्रामर बताऊंगा आपको एक बार इस टेक्स्ट के बाद में, हम लोग विच कैसे यूज करते हैं एक बार रिवाइज कर लेंगे। नूडल ऑफ लाउफ मेबी पंकज और विजय, पंकज विल यू रीड या विजय, नूडल ऑफ लाउफ ये नूडल कैसे बनाते हैं देखो, आप भी बनाना। नूडल ऑफ लाउफ, नूडल कुकिंग शिंकर इन स्ट्राइफ एंड श्नाइडर स्वीबल एंड टमाटर इन ब्यूटीफुल श्नाइडर। ओके सो ये जो वर्ब आ रही है इनको समझना है, बाकन का मतलब है बेक, बेक करना बेकरी, बेक करना कोई चीज को सेकना अंदर। अनब्राटन का मतलब है तलना, अनब्राटन फ्राई करना, फ्राई करने के लिए अनब्राटन। और फेर्यूरन, फेर्यूरन का मतलब है किसी चीज को मिक्स करना मथना। श्नाइडन कट काटना, श्नाइडन चाकू है। कोखन कुक करना उबालना, कोखन का मतलब उबालने के कॉन्टेक्स्ट में है यहाँ पे, सो उबालना फ्राई करना मिक्स करना बेक करना और कट करना, ये वर्ब आएंगी बार बार। तो आपने अभी बोला नूडल कोखन कि नूडल को पहले उबालो, शिंकन जो मीट है इन स्ट्राइफन श्नाइडन उसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में श्नाइडन उसको काटना है नूडल को, श्वीबल उन टोमाटन इन व्यूरफल श्नाइडन, व्यूरफल का मतलब कोई पर्टिकुलर शेप में गोल गोल श्नाइडन उसको कट करना है, श्वीबल उन टोमाटन, श्वीबल इज ऑनियन एंड टोमाटन टोमेटो या। Okay.
Zweifeln in einer Pfanne anbraten. Drei Viertel der Nudeln in ein Form geben. Dann Schinken, Zwiebeln und Tomaten dazu geben. Ohne Schinken ist es vegetarisch. Mit etwas Käse bestreuen, den Restnudeln drauf geben. Senf, Salz und Pfeffer und den Käse verrühren und auf den Auflauf geben. Backofen bei 200 Grad Celsius. Circa. Circa, almost, approximately. Okay, not circa. 30 minuten backen. 30 minuten backen. 30 minuten backen. Und guten Appetit. Have a nice food. So, उन्होंने बताया स्वीबल इन आइनर फाने अनब्राटन. फाने मतलब एक पैन में, एक तवे पे इसको थोड़ा फ्राई करना है. अनब्राटन और ब्राटन एक ही बात है. ड्राई फेटल मतलब थ्री फोर्थ, दो तिहाई, तीन चौथाई. ड्राई फेटल नूडल इन आइन फॉर्म गिवन, एक पर्टिकुलर फॉर्म में आ जाएंगे वो. डान शिकन, शिकन जो मीट है. स्वीबल उन टोमाटन दात्सु गिवन, दात्सु गिवन मतलब उसमें ऐड करना. दात्सु गिवन यू ऐड टू इट. ओने शिंकन इस्टस वेगेटारिश, और आप अगर शिंकन नहीं डालोगे, हेम नहीं डालोगे, तो ये वेजिटेरियन बन जाएगा. मिट एटवास केज है बिस्त्रोयन, थोड़ा केज है चीज इसके ऊपर छिड़क देना, बिस्त्रोयन. देन रेस्ट नूडल दराउफ गिवन, उसके बाद में बचा हुआ नूडल जो वन फोर्थ जो पार्ट था वो ऊपर से डाल दो. दराउफ गिवन, आउफ मींस ऑन इट. जाम है क्रीम, जाल्स थोड़ा सा सॉल्ट, उन पेफर काली मिर्च. उन्ट देन केज है बिर्यूरन, केज है जो चीज है उसको बिर्यूरन, फेर्यूरन, फेर्यूरन उसको मिक्स करना है. उन्ट आउफ देन आउफ लव गेबन, एंड आपका जो आउफ लव जो बन गया है ये उसके में ऐड कर देना उसको. गेबन मतलब गिव इट टू इट इन बाक ओफन, एंड फिर वो आपका बेकिंग ओवन है उसमें बाय 500 ग्राड, 200 उसका टेम्परेचर रखना है. और सिर्का 36 मिनटन बाकन, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट आप उसको बेक कर लो, एंड देन गुड अपेटिट. फिर बन जाएगा, कर लो भाई ट्राई. बाक ओवन का मतलब है ओवन, बेकिंग ओवन, जिसमें बेक करोगे वो ओवन. ओके, who will read? इसको try करना है, read करना है. प्रियंका, ये Germans कब क्या खाते हैं? कितनी बजे क्या खाते हैं? वो बताया इसने. Essens, Zeiten in Deutschland. In Deutschland gibt es drei Hauptmahlzeiten. Das Frühstück, Zwischen 6 und 10 Uhr, das Mittagessen zwischen 12 und 14 Uhr und das Abendessen zwischen 18 Uhr und 20 Uhr. Zum Frühstück gibt es Kaffee oder Tee, Müsli, Brot oder Brötchen, Butter, Marmelade, Käse und Wurst. Wer früh aufsteht und zur Arbeit geht, macht auch ein zweites Frühstück zwischen 9 und 10 Uhr am Arbeitsplatz. Mittags isst man gern warm. Zum Beispiel
Fleisch mit Kartoffeln und Gemüse. Abends essen viel lieber kalt. Dann gibt es Brot, Butter, Käse oder Wurst und Tee, Saft oder ein Bier. In vielen Familien gibt es am Sonntag zwischen 15 Uhr und 17 Uhr Kaffee oder Tee und Küchen. Kuchen. Zum Essen in einem Restaurant oder bei Freunden zu Hause trifft man sie meistens zwischen 19 Uhr und 20 Uhr. Okay, sehr gut. So there are three Mahlzeiten. Mahlzeit, इसका मतलब है खाने का टाइम. कभी कभी मम्मा बोलती है वहां पे Mahlzeit, मतलब खाने पे आ जाओ, रेडी है खाना. उसका सेंस ये है, खाने का टाइम हो गया Mahlzeit. सो एस्किप्ट हाउप्ट जो Mahlzeiten, ड्राई हाउप्ट Mahlzeiten. तीन मेन फूड टाइमिंग्स हैं, फ्रुस्टुक ब्रेकफास्ट बिटवीन 6 and 10, मिटागेशन लंच बिटवीन 12 and 14, आवेंटेशन जैक्स ओन 8, मतलब 16 से 18 से 20, मतलब 8 o'clock तक खाना हो जाता है. दस इज शोन. एंड इन फ्रुस्टुक व्हाट दे ईट, म्यूसली काफे टे ब्रॉड ब्रॉडशन बुटर मार्मलाड है केजे उन वुर्स्ट. ये तो ब्रेकफास्ट में इनमें से कुछ खाते हैं जनरली. अब सारे खाएं जरूरी नहीं है, बट जनरली ये चीज़ ब्रेकफास्ट में खाई जाती है, ये मतलब है इसका. ओके, वेर आउट स्टेट थ्रू आउट स्टेट, कोई जल्दी उठता है ऐसा आदमी दो बार ब्रेकफास्ट करता है, ये जोरदार बात है. वेर थ्रू आउट स्टेट शोर आरबाइट गेट एंड मास्ट ऑफ इन स्वाइटेस्ट फ्रू स्टोक, सुबह थोड़ा खा लिया फिर ऑफिस में 9 से 10 के बीच में एक बार ब्रेकफास्ट फिर से. Arbeiter Platz at the workplace. Mittags, दोपहर में गरम खाते हैं, सुबह शाम जो ठंडा खाते हैं वो दोपहर में गरम खाते हैं जनरली. Mittags ist man gern warm, zum Beispiel Fleisch mit Kartoffel, Meat, Kartoffel आलू के साथ, Gemüse, vegetable वगैरह. Abends essen viele lieber kalt, तो सुबह तो कॉल्ड था ही, अवेंट्स भी दे प्रीफर कॉल्ड. धान गिफ्ट ब्रोड बुटर केज एंड वर्स्ट टे जाफ्ट और अ बियर. ये इन फील एंड फैमिली एंड कुछ फैमिलीज में संडेज को 3 से 5 के बीच में कॉफी चाय ले लेते हैं वो केक के साथ या दस इज. और किसी दोस्त के यहाँ पे आपको अगर इन्वाइट, आप इन्वाइटेड हैं तो बेहतर है आप 7-8 के बीच में चले जाना, कहीं आप 9 बजे पहुंचो और किचन बंद हो गया उनका भूखे में रो गए. सो ये था आपको वेल्स बताऊंगा अभी मैं. वेल्स हम लोग पहले दे दूं क्या, हम लोग बाद में बताता हूँ आपको, पहले वेल्स बताता हूँ. वेल्स हाउ टू यूज वेल्स. वेल्स वेल्स के साथ फिर डिश भी बता देता हूँ. वैसे तो टेबल होती है डेयर दी दास, वो आपको पता है डेयर दी दास दी डेनी दी दास दी डेम डेयर डेम डेम प्लस एन, ये तो आपको ऑलरेडी पता है. इस पूरी टेबल का मतलब ही है द मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल एंड प्लूरल, पूरी टेबल का मतलब है द नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव डेटिव. जैसे ये है वैसे ही एक टेबल है दिस की. दिस जो है ओरिजिनल वर्ड है बट उसके बाद में ये तो डेयर दी दास दी के हिसाब से करते हैं ना, तो इसके साथ डेयर दी दास दी डेन दी दास दी डेम डेयर डेम डेन प्लस एन, इस तरीके से आपको ये फिट करना पड़ता है डिश सभी में. तो जब डिश सब में फिट करोगे तो डिश डिश लिख दो डिश. तो ये हो गया डीजर
क्योंकि से तो जय बन जाता है अगर उसके बाद में वोवल आए तो, जो डीज था डीज बन गया डीजर डीजे डीजस और डीजे, फिर ये बन गया आपका डीजन डीजा डीजस डीजे डीजम डीजर डीजम डीजन प्लस एन वापस अच्छे से लिखता हूं डीजन प्लस एन। तो फर्क क्या हुआ इन दोनों में, ये आपका नोमिनेटिव अकुजेटिव डेटिव, पहले वाला था द और ये है दिस वन, इसमें सभी का मतलब है दिस वन। आई हैव ए पेन, ये तो हो गया इंडेफिनेट, अब स्पेसिफाई नहीं कर रहे। आई हैव ए पेन, आई हैव ए बैग, आई हैव ए शर्ट, आई हैव ए कार, ये तो अ हुआ, लेकिन आपको द बोलना हो आई हैव द कार, आई हैव द पेन, आई हैव द बेबी, आई हैव द हाउस, राइट, ये द। लेकिन दीज किंड दीज हाउस मतलब आप कई सारों में से एक को स्पेसिफाई करो, ये वाला कौन सा शर्ट लोगे, आपने 40 देख लिए, ये वाला दे दो, वो भी परेशान हो गया, आपने 40 शर्ट निकलवा ली उससे, शर्ट देखने गए थे आप पूरी दुकान में दुड़वा दी और फिर भी आप सोच रहे हो लूं कि नहीं लूं, उसने बोला कौन सा चाहिए, चाहिए भी कि नहीं, जेब तो संभालो, आपने बोला ये वाला चाहिए दिस वन दिस वन। तो आप कईयों में से एक को जब चूज करते हो तो आप ये वाला यूज करते हो, अदरवाइज जनरली डेफिनेट के लिए ये और इनडेफिनेट के लिए आपकी आइन वाली टेबल, आइन आइन है आइन आइनन आइन है आइन आइनम आइनर आइनम। नॉमिनेटिव अकुजेटिव डेटिव मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल, सो अ द दिस वन। तो आपने तो बोला दिस वन, लेकिन उसने पूछा क्या था, उसने पूछा था विच वन, कौन सा चाहिए, हाँ पैसे हैं कि नहीं जेब में, कौन सा चाहिए, आपने बोला ये वाला चाहिए। तो जो वेल्च है ये वेल्च की भी ऐसी टेबल बनती है एक्चुअली, जैसे आपने दिस की बनाई ना ऐसे ही वेल्च तो सभी में आएगा, वेल्च तो हर जगह लिखना है आपको, वेल्च 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 वेल्च। सो इसका वही एंडिंग मैस्कुलिन और न्यूट्रल और उसके हिसाब से होगा इसका, तो ये वेल्शर हो जाएगा, वेल्शर वेल्शर वेल्सस वेल्शर वेल्शन वेल्शर वेल्शस वेल्शर वेल्शम वेल्शर वेल्शम वेल्शन प्लस एन। सो ये आपका नोमिनेटिव अकुजेटिव डेटिव मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल एंड प्लूरल। अब आपको ये बोले कोई कौन सा शर्ट चाहिए, तो शर्ट तो दस हेम्ड होता है, दस हेम्ड, तो विच शर्ट यू नीड, तो विच के साथ हमेशा नाउन आएगा। सो शर्ट दस होता है तो आप बोलोगे, आपसे पूछा गया है शायद ये तो वेल्सेस हेम्ड, बोलेंगे काउफन, वो
कुडाल वर्ब के कारण मैं वर्ब लास्ट में ला रहा हूं, या वेल्सेस हेम कौफन जी सीधा भी बोल सकते हैं, वेल्सेस हेम्ड कौफन जी आप कौन सा शर्ट खरीद रहे हो। तो जी का मतलब यह है कि ये तो सब्जेक्ट है, आपसे तो पूछ रहे हैं कि आप कौन सा खरीद रहे हो, तो आप तो सब्जेक्ट हो और वो शर्ट है वो ऑब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट आप हो और कौफन अकुजेटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट तो अकुजेटिव ही होगा। ये अलग बात है कि ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है लेकिन होगा तो अकुजेटिव ही। तो इसलिए हमने ये शर्ट का न्यूट्रल का अकुजेटिव वेल्सेस लिया है। अगर कोई बोले विच साड़ी यू आर परचेजिंग, साड़ी तो ढेर साड़ी होती है, तो फिर क्या हो जाएगा, ढेर साड़ी होती है। अब कौन सी साड़ी खरीदना है, वेल्सन करेक्ट, वेल्सन ही आएगा, वेल्सन साड़ी। कौफन जी या वुलन जी कौफन, क्योंकि जी जो है ये तो सब्जेक्ट है क्योंकि आप ही तो खरीद रहे हो, आप ही से पूछ रहे हैं वेल्स कौन सी खरीद रहे हो महाराज आप, हाँ तो आप बोल, आपने निकलवा ली 20 तरह की साड़ियां, अब आपको बोला गया कौन सी खरीद रहे हो, खरीद भी रहे हो कि नहीं, जेब संभालो, आपने देखा हाँ है पैसे, तो आपने बोला ये वाली आई एम परचेजिंग दिस वन, तो आप बोलोगे एश काउफ है। वेल्सन का जवाब क्या हो जाएगा, इसमें से आएगा, ये क्वेश्चंस के लिए है या आंसर्स के लिए है, इस काउफ है दीजन सारी, यस सब्जेक्ट आ गया अकुजेटिव वर्ब है तो अकुजेटिव ही हो गया ना, साड़ी मैस्कुलिन है डेयर लिखा हुआ है, सो दीजन आएगा, इस काउफ है दीजन सारी, आई एम परचेजिंग दिस सारी। तो हर बार वेल से किंडर, कौन से बच्चे परेशान करते हैं आपको, ये करते हैं साहब, दीज ए किंडर, सो दीज है वेल से क्वेश्चन था, दीज है दीजस हाउस, वेल्सेस हाउस कौन सा घर, ये वाला दीजस हाउस, ऐसे ये वेल्स और दीज का कॉन्सेप्ट है, इसमें कहीं ना कहीं वापस दिखेगा आपको। ओके इश बिन मियान उन खोमे औसीना, ये टेक्स्ट पढ़ते हैं, मे बी रिद्धि वुड लाइक टू रीड फर्स्ट एंड देन सपना सेकंड वन, ओके रिद्धि नहीं है तो आप सपना पहले आप पढ़ लो फिर विजय पढ़ लेगा, या इश बिन माइन उन खोमे औस चीनो शीना शीना चीनो शीना इश ऐशे लीवर कारोटोफल आज लाइज इन डॉशलैंड ऐसे इश आम लिबिस्टेन कुरे होस्ट नीट पॉम्स इच ट्रिंक्स जेर गेम उन जेर फिल ए हिट फिल जुगर, या सो इसने बोला मेंजा, मेंजा वही कैंटीन को ही बोलते हैं जर्मनी में, was ist ihr am besten am liebsten in der mensa, was ist ihr lieber als in eurer heimat, heimat मतलब आपके घर में, आपके नेटिव प्लेस पे आपको क्या खाना ज्यादा पसंद है और जर्मनी में क्या खाते हो। तो इसने बोला इसमें मियान उनको मैं उसी ना चाइना की हूँ, कीड़े मकोड़े खाने ज्यादा पसंद नहीं है, ऐसे नहीं बोला इसने, चाइना की हूँ, इस ऐसे लीबर काटोफल अल्स राइस, मैं राइस की बजाय आलू ज्यादा पसंद है मुझे, ऐसे बोला इसने, इन डॉयचलैंड ऐसे इस आमलिपस्टन कुरीवुर्स्ट और यहाँ पे करीब मीट खाती हूँ, मीट पॉमस पॉमस के साथ, स्ट्रिंग का जेयर गैर्न आई ड्रिंक अलॉट, पीना बहुत पसंद है मुझे, जेयर फील टे मीट फील शुकर टी एंड उसमें भी बहुत सारी चीनी डाल के खाना पीना पसंद है।
ओके विजय यू रीड दिस वन, ये तो इंडिया का ही है। माय नेम इज कार्लो, इज एट द काइन गाइस, मैं मीट नहीं खाता। ये तो इज्जत रखी इसने इंडिया की, बोलता है इज ए वेजिटेरियन, इज एज अ फिलर ऑफ ऑन ड्यूटीज एंड लिविस्टन एज ए इज टोफू फ्रूट एंड वेजिटेबल्स अमलिप्सन ऐसे टोफू, टोफू करके मिलता है वहाँ पे, वो खाना इसको पसंद है। उसके अंदर कुछ तो ये टोफू में क्या होता है, साग सब्जियाँ ज़्यादा होती हैं क्या? नहीं सर, टोफू पनीर मेड ऑफ सोया पनीर, ओके नूडल वो है, हाँ ओके, सो वो खा रहा है वहाँ पे, ठीक है। राइस उनके म्यूज़ है, चावल और वेजिटेबल। दासु त्रिंके इस देयरन जाफ्ट ओडर वासर, पानी या जूस पीना उसके साथ पसंद है मुझे। सो मियान ने क्या बोला, वास इश्ट मियान लीबर, मियान वो है चाइनीज मैडम, क्या खाना ज्यादा पसंद है उसको? आलू खाना पसंद है उसको, काटो फैल उन वास इश्ट या अमलिप्स्टन। और आजकल वहां जर्मनी में क्या चटकारे लगी है, क्या खा लिए ज्यादा? कुरीवुर्स्ट उन पॉमस उन वास्ट्रिंग्स जी गैर्न, और पीती क्या है वो, क्या पसंद है? टी पसंद है उसको। उन आलोक, आलोक भाई क्या खाते हैं? नहीं खाते, कम खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते या ज्यादा खाते हैं? खाइन, खाइन फील मतलब बहुत ज्यादा, वेनिश मतलब कम खाते हैं, खाइन मतलब खाते ही नहीं, मीट तो खाते ही नहीं। आलोक जी वास ईस्ट एयर आम लिप्सन टोफू एंड राइस एंड राइस एंड वास ड्रिंक ए गैर्न या ज़ाफ्ट एंड वासर बोला था उसने, तो ज़ाफ्ट कर देते हैं हम लोग। सो मेयर एंड मेयरस मोर एंड मोर देन द डॉयचन एसन गैर्न ड्योनर, जो जर्मन्स हैं उनको ड्योनर बहुत पसंद है, कबाब खाना उनको बहुत पसंद है। इन बर्लिन गिप्टस इन इस्तांबुल, बेसिकली शायद ये टर्की से आता होगा इस्तांबुल वगैरह से, लेकिन बर्लिन में ज़्यादा हो गए कबाब सेंटर। आहा, इन बर्लिन गिप्टस मेयर ड्योनर लोकल है आल्स इन इस्तांबुल। सो फील का देखो मेयर, फील का मतलब है मच और मेयर का मतलब है मोर, और एक साथ आ जाए तो मोर देन, मोर के साथ कुछ हो रहा है तो उसका मतलब देन निकलेगा आल्स का। सो मच मोर मोर देन यही साइज इसमें फील होगा। इन डॉयचलैंड ऑन योस्ट्राइस ईस्ट मान वुर्स्ट, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में मीट बहुत खाते हैं लोग, बहुत खाते हैं और खत्म हो गया, यहाँ क्या आएगा, एक ही चीज है फील, फील वुर्स्ट। इन डर श्वाइज और स्विट्जरलैंड में ज्यादा केजे खाते हैं, चीज बहुत खाते हैं, तो यहाँ पे बहुत खाते हैं और इसमें ज्यादा मेयर, ओके इन द श्वाइज मेयर केज है। द मेंशन इन डॉयचलैंड योस्ट्राइस ओन्ट इन द श्वाइज एशन कार्टोफल, द मेंशन इन जूड यूरोपा, तो कंपैरिजन हो गया यहाँ पे। एक्चुअली ये कह रहे हैं कि जर्मनी ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में आलू लोग ज्यादा खाते हैं बजाय साउथ यूरोप के, तो दो में कंपैरिजन होता है, तो जनरली मेयर आल्स, मेयर आल्स मतलब मोर देन। जैसे ऊपर भी उन्होंने बोला ना बर्लिन में डोनर के लोकल ज्यादा हैं बजाय इस्तांबुल के, ऐसे ही यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो जर्मन स्पीकिंग वर्ल्ड में लोग ज्यादा काटोफल खा रहे हैं बजाय साउथ यूरोप के। होमवर्क देता हूँ अभी आपको मैं, एक तो ये रखो
198 इसमें देखो क्या करना है, वेनिला है, शोकोलाड है, उधर एड बेर है, ये अलग अलग लुकास, लाउरा और टिम बच्चे हैं, वो कुछ चॉकलेट वगैरह खा रहे हैं, तो कौन सा किसको क्या पसंद है, कौन सी चॉकलेट ज़्यादा पसंद है, ये इसमें आएगा। ठीक है, टीम गैर मतलब टीम को क्या क्या पसंद है और लोरा को ज़्यादा क्या पसंद है चॉकलेट से, तो यहाँ दिया हुआ है, खुद सोचना आपको, और आपको ये पढ़ के ही पता लगाना है कि कौन सा टीम है, कौन सा लोरा है, या कलर से भी आइडिया लग जाएगा, कलर से भी लग जाएगा क्या, ये ग्रीन वाला शायद इसका ग्रीन वाला इसका होगा, ओके ठीक है, इससे भी आइडिया लग जाएगा तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो आपको थोड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, सो आप ये है 198 एंड 100 सो फर्स्ट होमवर्क तो यही है आपको, कंपैरिजन वही मेयर और फील और ये सब यहाँ पे कुछ तो लिखना है, गैन फील मेयर आज ये सब पढ़ के भी आइडिया लगेगा आपको, और यही चीज़ यहाँ पे इसमें गैर्न लीबर और वही तीन वर्ड हैं गैर्न लीबर फील वाले जो हमने किए थे, इन्हीं को उठा उठा के रखना है, गैर्न लीबर आम लिपस्टर ये आपको खुद सोचना है, लेकिन मैं हेल्प करूँगा बाद में। और आज जो आपको वेल्स सिखाया है वेल्स यूज करोगे क्वेश्चन में, लेकिन वो हर बार देखना पड़ेगा कि वेल्स आएगा कि वेल्शस आएगा कि वेल्स आएगा, ये वेल्स वाला यूज, और उसके बाद में एक छोटा सा टेक्स्ट है उसके क्वेश्चंस दे रखे हैं आंसर करने आपको, समझ में आ गया होमवर्क। ये वाला पेज है 199 है, ये करना है आपको, और इस लेसन के बाद में आप लोगों को मैं एडजेक्टिव एंडिंग की फिर रिवाइज कराऊंगा, एडजेक्टिव एंडिंग हमने सीखा था कि एडजेक्टिव एंडिंग किस तरह से काम करता है, गुट का कब वो गुट से गुटन बन जाता है, कब वो गुटस बन जाता है, कब वो गुटम बन जाता है, आप शुरू में किया था हमने, लेकिन इसको वापस एक बार रिवाइज करूँगा। ठीक है, सो ये वाले, और एक आपको एक दो दिन में हर किसी को आज और कल में देख के टाइम मिले तो आज नहीं तो कल, हर किसी को 20 क्लोथ्स के नाम लिखने हैं आज और कल में। ठीक है, आज टाइम मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो कल क्लोथ्स में 20 to 25 जैसे मान लो साड़ी एक हो गया, स्कर्ट एक हो गया, कैप जो भी पहनते हैं ना अपन, आप पहनने में कोई वाले चश्मा भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट मेनली क्लॉथ्स, कि गर्मियों में सर्दियों में ऐसे सोचोगे घर में क्या पढ़ता हूँ, सोते टाइम क्या पहनता हूँ, ऐसे करके आपको देखना है, लोगों को पहने हुए देखना है, याद आ जाएंगे। दैट्स इज डन आलेस फॉर हॉटेल।